नहीं सर, इंडिया में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है फ्रेशर के लिए। इंडिया में इतना रिजर्वेशन सिस्टम है, जनरल को तो कहीं भी चांसेस ही नहीं मिल रहा है। एक तो गवर्नमेंट के फॉर्म्स आते हैं, उनके रिजल्ट वगैरह इतने लेट आते हैं, जितने में जनरल कैटेगरी का सर कहीं भी गुजारा नहीं है। हम जैसे सर जनरल को तो सर या तो बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो प्राइवेट के भरोसे ही जीना पड़ेगा। इसमें क्या ऑप्शन लग रहा है आपको 24 में? यार मेरे को देखो, मेरे को सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को चाहिए। ये पॉलिटिक्स तो सारा करप्टेड है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे करप्टेड है। ये सारे ऊपर लेवल तक सारे करप्शन में रहते हैं। किसी को चूज तो करना होगा। मेरा देखो, मैं अगर अपनी ओपिनियन बताऊं तो मैं नोटा पे वोट दूंगा, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इतना फ्रस्ट्रेशन हो चुका है युवा की ना नोटा के ऊपर। मैं नोटा पे जाऊंगा, मैं क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं मैं आज। मैं 22 साल का हूं, मेरे को जो 30-30, 35-35 साल के लोग हैं, आप अभी देखे होंगे रिपोर्ट्स में, MBA जो मास्टर डिग्री कर रखे हैं वो लोग आज चपरासी की जो फॉर्म आया SSC में उसके अप्लाई कर रहे हैं। तो आप मतलब देख ही सकते हो इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कि MBA किए हुए लोग आज सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, आप देख ही सकते हो। तो मेरा बस यही कहना है कि गवर्नमेंट को इस पर करना चाहिए। उन्होंने तो ये भी बोला था कि जिस दिन कोई आदिवासी अगर कोई प्रधानमंत्री आता है उस दिन रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। कहाँ जॉब मुद्दा है, जॉब मुद्दा है आपका ना, जॉब मुद्दा है। ये तो कह रहे कि हम डालेंगे नहीं किसी को, डालना नहीं किसी को हमको। हम तो डालेंगे सर। हाँ, इनका कह रहा मुद्दा ये बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बात सुनिए, जो ये MBA BA की बात कर रहे हैं सर, ये MBA BA की डिग्री की वैल्यू नहीं है सर, आपकी नॉलेज की वैल्यू है। जितने जनों को नॉलेज है ना सर, आज वो बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे पोस्टों पर सर। ये पहली बात सर, आज जो कॉम्पिटिशन एग्जाम चल रहे हैं, जनरल के अलग है, SC के अलग आरक्षण है, लेकिन ये सब भी कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से, इन जनरल वालों की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अगर इनको धुकारा ना होता, इनको छुआछूत ना करा होता, इनको ऐसा इनको वैसा उल्टी सी बातें नहीं कही होती ना, तो आज पीछे जा रहे हैं आप, बहुत पीछे जा रहे हैं आप। आपको क्या लगता है बेरोजगारी कैसे हल हुआ? बेरोजगारी भाई साहब, ये भारत देश के अंदर जब रिक्शे वाले की बेटी IPS बन सकती है तो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं होता है भाई साहब की बात। ठीक है, काबिलियत अपने अंदर होनी चाहिए। डिग्रियां तो भैया बंदा 10वीं फेल छात्र वो करके पत्राचार से भी 12वीं की ले आता है। अब वो ये बोले मुझे सरकारी नौकरी दे दो, तो काबिलियत पहले पैदा करो। जिस देश के अंदर रिक्शे वाले के बच्चे IPS बन सकते हैं ना, उस देश के अंदर अगर पढ़ा लिखा वैकेंसी निकलती नहीं है, 900,000 वैकेंसी निकलती है। DD न्यूज़ के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, आप डालो पढ़ो ना, उसके अंदर अगर आपके पास काबिलियत है आप डालो, आपको फॉरेन जाने का भी सौभाग्य मिलेगा। हमारे एक मित्र को मिला है, हम तो बड़े खुश है, उसने बताया तो उसने की उसके अंदर काबिलियत थी। आज यानी कि अल्टरनेट तो पैदा करना पड़ेगा ना, सरकारी जॉब तो सबको मिलेगी नहीं। तो सरकारी मेरे को ये नहीं समझ आता, हिंदुस्तान के युवा को सरकारी नौकरी का क्यों ख्वाब है? क्योंकि उसने शुरू से या तो उसकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि सरकारी नौकरी का मतलब है घर बैठ के ऐश करना और काम ना करना। आपके पढ़े लिखे हैं, कॉल सेंटर बड़ी बड़ी बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर है, प्राइवेट जॉब करो, लोग कमा रहे हैं। क्यों? प्राइवेट जॉब वाला काम पूरा लेता है, चाहे आप दुकान पे लगिए चाहे बड़ी कंपनी में लगिए। सुबह 6 बजे घर से निकलोगे, शाम को 6-8 बजे घर आओगे, वो नहीं हो सकता। क्योंकि मेहनत हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पर युवा करना ही नहीं चाहता। इसलिए कहते हैं ना कि आज के टाइम में जो युवा की एक आयु है, उम्र है, वो सीमित रह जाएगी, 60-55 में ही बूढ़ा हो जाएगा, वो सत्य कहते हैं। क्या लग रहा है सर आपको 24 का चुनाव आ रहा है नजदीक में, क्या लगता है आपको? मैंने पूरा मैटर ही नहीं सुना, तो मैं जवाब 24 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपको? मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, ठोक लो पहले। जी जी बिल्कुल, आप क्या लगता है आपको 24 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या ऑप्शन दिख रही है भारत की जनता के पास, क्या क्या ऑप्शन हैं? देखिए, भारतीय जनता दो खेमों में बटी हुई है, एक विकास के साथ है, दूसरी जो जनता है वो है भेदभाव, जाति प्रथा उनके साथ है, उनको मतलब नहीं है विकास से। जो जनता विकास के साथ है वो आप जानते हैं विकास के मॉडल में क्या है। अगर आप विकास के साथ हैं तो विकास वालों को वोट देंगे, और अगर आप किसके साथ हैं? देखिए, अभी आज के डेट में तो भाई विकास मोदी जी के साथ है। क्या लगता है आपको सर, विकास हो रहा है कुछ? बहुत विकास हो रहा है, मोदी का अच्छा काम हो रहा है। कुछ काम गिना दीजिए। काम भाई साहब 370 हटाने का, राम मंदिर बनाने का, रोडें बनाने का बहुत काम है। तुम्हारी क्या नाम है, घर घर शौचालय, घर प्रधानमंत्री आवास योजना, और क्या था, महागठबंधन बन रहा है, दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर पूरे ना घेराबंदी हो रही है। एक महाभारत सीरियल आया था, उसमें क्या था कि जैसे कि कौरव सेना, उन्होंने जगह जगह के राजा महाराजा इकट्ठे कर लिए थे, सिर्फ अर्जुन ने एक मांगा था कि हमें कृष्ण भगवान चाहिए,
हमें राजा महाराजा इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें मोदी चाहिए। हमें चाहे गठबंधन कितना भी हो, कहीं से भी हो, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ अपना मुद्दा कुछ होगा, मुद्दा कुछ होगा। ये गठबंधन जो है ना, अब क्या कि आपको पता है कि केजरीवाल साहब बोले थे हम अकेले चलेंगे, ठीक है, केजरीवाल साहब ने हमेशा बोला कि हम अकेले चलेंगे। अब क्या हुआ कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो सारे भ्रष्टाचारियों को मिला लिया। आज आप ये देखिए, लालू यादव हैं जो हमारे नीतीश कुमार साहब हैं, नीतीश कुमार साहब बोलते थे कि लालू का राज जंगल राज, अब उन्हीं के साथ सत्ता चला रहे हैं, ठीक है ना। अब जंगल राज नहीं है, ये सब सत्ता के लिए, अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन हो रहा है। अभी आप सिर्फ हवा में देख रहे हैं, होना कुछ भी नहीं है, ये गठबंधन बनने वाला भी नहीं है ना बनेगा, क्योंकि जब जब ये सीट का बंटवारा होगा तब भाग लेंगे। कभी कुछ होगा बोले सारा मेरे को दे दो, कांग्रेस बोलेगी सारा मेरे को दे दो, उधर लालू जी बोलेंगे मेरे को दे दो, उधर ममता बोलेगी जी कांग्रेस यहाँ नहीं लड़ेगी, जो होने वाला है। कहीं ना कहीं घेराबंदी तो हो रही है ना, फिर घेराबंदी खूब करें, खूब घेराबंदी करें। ये सब पलटने वाले पलटू राम हैं, एक मिनट में पलट जाएंगे।